सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लाइफ टेक्नीशियन अड्डा को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास चालू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा एंटी कोगुलेंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो एंटी कोगुलेंट्स जो है हम इसमें डिटेल में देखेंगे, इसकी भी दो वीडियो बनेगी। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए जो है इसकी दो वीडियो आएंगी। तो पहला वीडियो जो है सबसे पहले हम देखते हैं एंटी कोगुलेंट के बारे में। तो इसमें जो है ऊपर ऊपर देखते हैं, सबसे पहले जो एंटी कोगुलेंट का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगा इसका। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड इट क्लॉट्स आफ्टर सम टाइम। द एंटी कोगुलेंट्स आर द केमिकल एजेंट्स विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन मिक्स्ड विथ ब्लड इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप समझ ही गए होंगे कि जब हम ब्लड को जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं या ब्लड जो है जब हम कलेक्ट करते हैं, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ब्लड जो है क्या है, क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को जो है या ब्लड के क्लॉट होने को जो है रोकने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको जो है एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। और एंटी कोगुलेंट जो है एक केमिकल एजेंट होता है, ठीक है, जो क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है, या ब्लड के जमने को जो है क्या करता है, स्टॉप कर देता है या रोक देता है। ठीक है, जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट वायल होते हैं जिसमें एंटी कोगुलेंट होता है। जब हम उसमें मिक्स करते हैं तो ब्लड क्या नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो है केमिकल एजेंट या एंटी कोगुलेंट जो है मिक्स रहता है, इसलिए वो ब्लड को जमने से जो है या क्लॉट होने से रोक देता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा डेफिनेशन। उसके बाद जो है पर्पस ऑफ यूज एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो ये हेडिंग वाइज जैसे कि मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से हेडिंग वाइज जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हेडिंग से हमें आंसर करना है, ताकि अच्छे जो है हमें मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैं जो है कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट में समझाने का, ठीक है, समझने के लिए। तो आप जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने दिया पर्पस ऑफ यूजिंग एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट का जो है यूज करने का पर्पस क्या है, मेन फॉर स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट और स्टडी ऑफ कोगुलेशन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ठीक है, तो ब्लड बैंक में जो है ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए भी एंटी कोगुलेंट का यूज करते हैं, और बहुत सारे कोगुलेशन स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और जो हम लैब में जो है अलग अलग टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो उसमें जो है एंटी कोगुलेंट वाले ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम वायल में जो है अलग अलग वायल में जो है सैंपल लेते हैं या ब्लड लेते हैं, ताकि वो ब्लड का क्या ना हो, क्लॉट ना हो। ठीक है, फिर बहुत सारे टेस्ट जो हैं उससे हम लोग लगाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका क्या है, पर्पस क्या है, जो हम ब्लड बैंक में जो है ब्लड को बहुत दिन तक जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, उसमें जो है इसका यूज होता है एंटी कोगुलेंट का। ठीक है, अब इसके जो है हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं एंटी कोगुलेंट का। तो मोस्ट जो है कॉमनली प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया है, जैसे कि सोल्यूबल इन ब्लड। तो ये ब्लड में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ब्लड के साथ जो है मिल जाएगा आसानी से। कीप द ब्लड इन फ्लूड कंडीशन, ठीक है, फ्लूड कंडीशन में जो है ये ब्लड के साथ रहता है। और नॉट बी ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, तो ब्लड सेल्स को जो है हीमोलाइस नहीं होने देता है। ठीक है, इस मस्ट नॉट बी चेंज द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज जो है ये चेंज नहीं करता है। मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट के डिस्ट्रक्शन जो है बहुत कम होता है इसमें, और एग्रीगेशन भी जो है प्लेटलेट्स का कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है कोगुलेशन फेज होता है अलग अलग, तो इसके बारे में डिटेल में जो है आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें जो है आप देख लें, दो ही इसमें पाथवे होता है, एक इंट्रेंसिक पाथवे और एक होता है एक्सटेंसिक पाथवे। ठीक है, दो पाथवे होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे। ठीक है, तो ये आप पढ़ें अगर आपको मिलता है तो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिटेल में इसके बारे में इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे को भी डिटेल में मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, और आपके लिए जो होमवर्क दिया हुआ है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको याद करना है। और जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है मुझे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है पूरे लिख करके बता दें। ठीक है, ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। ठीक है, ये जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके वीडियो को जो है ये आप पूरा हिस्ट्री जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्टों के नाम दिए, किसने क्या खोज किया है एंटी कोगुलेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री तो आपको थोड़ा कुछ पता भी होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो है बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसमें जो है खून जब बह रहे थे तो उस समय जो है उस समय ये इसका डिस्कवर्ड हुआ था, तो उसमें पता लगाए गए थे कि एंटी कोगुलेंट्स जो है उसमें, तो साइंटिस्ट जो है उस समय जो है उन्होंने खोज किया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में खोज किया था, तो वो आप देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट को जो है क्लासिफिकेशन में यहाँ पर जो है क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहला जो है कैल्शियम चिलेटर और उसके बाद नॉन कैल्शियम चिलेटर, ठीक है। तो जो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है उसको कैल्शियम चिलेटर एंटीकोगुलेंट बोलेंगे, और जो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं होता है उसको नॉन कैल्शियम चिलेटर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है कैल्शियम चिलेटर कौन कौन से होते हैं, ऑक्जिलेट्स और ट्राइसोडियम सिट्रेट। ऑक्जिलेट में जो है पोटेशियम ऑक्जिलेट आ जाएगा, डबल ऑक्जिलेट आ जाएगा, उसके बाद अमोनियम ऑक्जिलेट आ जाएगा, ठीक है। ट्राइसोडियम सिट्रेट में हमारा EDTA आ जाता है। और उसके बाद नॉन कैल्शियम चिलेटर में कौन कौन से आ जाएंगे, हेपेरिन और वारफेरिन, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे इसमें क्लासिफिकेशन। अब कॉमनली यूज जो होते हैं एंटीकोगुलेंट्स हमारे लैब में लेबोरेटरीज में जो है, तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप डिटेल में जो है आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक होंगे तो। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर में या सॉरी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसमें देखेंगे कि इनका यूज क्या है, और उसके बाद इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, और कौन से कलर में कौन सा जो है ये कौन से कलर के वायल में जो है कौन सा ये जो है एंटीकोगुलेंट यूज होता है उसके बारे में। और एक वीडियो मेरा पहले भी बना हुआ है, ये आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप जाकर के जो है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट हमारा EDTA, डबल ऑक्जिलेट, सोडियम सिट्रेट। EDTA का फुल फॉर्म पता है, एथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। उसके बाद डबल ऑक्जिलेट सोडियम सिट्रेट, और उसके बाद सोडियम फ्लोराइड, हेपेरिन, ACD, CPD और CPDA, ठीक है। तो ये जो है ब्लड बैंक में जो है यूज होते हैं, ये आपको पता होगा, इनका फुल फॉर्म भी लिखा है, ACD का एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, उसके बाद CPD का सिट्रेट फॉस्फेटेज डेक्सट्रोज, और उसके बाद सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, ठीक है। तो ये जो है अब इनके बारे में डिटेल में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें जो है पूरी जानकारी इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आपका होमवर्क आपको पता ही है क्या क्या मैंने बताया था, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे आपको जो है पढ़ना है, और 13 क्लॉटिंग फैक्टर के नाम जो है फटाफट याद करके जो है कमेंट बॉक्स पे आप लिख दें।